प्रियंका साहब, हमने लास्ट लेक्चर में सिरिस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम इस लेक्चर में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे MPPSC व्यापम सब इंजीनियर जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप 5 EDI को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें टेस्ट सीरीज दी हुई है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। देखिए हम स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पर क्वेश्चन दिया हुआ है जो क्यूब सीरीज से रिलेटेड है। अब क्यूब सीरीज क्या होती है? क्यूब सीरीज मतलब घन, घन श्रृंखला। आपको कम से कम 1 to 15 तक क्यूब याद होना चाहिए। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 2 into 2 into 2 8, 3 का क्यूब होता है 3 into 3 into 3 to 27, 4 का क्यूब होता है 4 into 4 into 4 into करेंगे 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64। इस टाइप से क्यूब निकलते तो ये आपको याद होना चाहिए। देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है 1, 8, 27, 64, यहाँ पर 125, क्वेश्चन मार्क 343। ये जो दिए हुए हैं यदि हम ध्यान से देखेंगे और हमें क्यूब याद है तो हम बता सकते हैं कि जो 1 है 1, 8, 27, 64, 125, और ये जो है ये 1 का क्यूब है, ये 2 का है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। तो डेफिनेटली यहाँ पे 1 का, यहाँ 2 का, यहाँ 3 का, यहाँ 4 का, तो यहाँ पे काय का आएगा, यहाँ 5 का आएगा, तो यहाँ ऑब्वियसली 6 का क्यूब आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 7 का क्यूब है। एक एक प्लस होते जा रहे हैं। इन 1 में आप 1 प्लस करिए 2, 2 में 1 प्लस करिए 3, सेम हमें 5 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, और ये क्या यहाँ पर कौन क्या आएगा 6 का क्यूब आएगा। 6 का क्यूब कैसे निकालेंगे? 6 6 36, 36 में फिर 6 का गुना करो, इसका गुना करने पर 216 आता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो जिस ऑप्शन में 216 रहेगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देखते हैं कौन से ऑप्शन में 216 है। ऑप्शन नंबर 8 में 216 है तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये भी कह सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे 6 का क्यूब आएगा, मतलब क्या आएगा 216। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है जो एडिशन स्क्वायर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन। इसको कैसे पहचाना कि इसमें एडिशन और स्क्वायर दोनों हो रहा है? तो ध्यान से देखिए क्या लिखा है। 534, 543, 559, 584, 620 देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 543 में से 534 माइनस होगा तो 9 आ रहे हैं, यहाँ 9 आ रहे हैं। अब इसमें से ये माइनस करो, 559 माइनस 543, 9 में से 3 गए 6, 5, 16, यहाँ पर कितना आ रहा है 16। अब इन दोनों को माइनस करो, 584 माइनस 559, अब माइनस करो, 36। तो यहां पर क्या आना चाहिए? अब देखिए ये जो 9 है यहाँ 69, यहाँ 25 है, 36 है, अलग अलग डिजिट आई। पर ध्यान से इनको देखेंगे तो ये जो 9 है ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। तो डेफिनेटली यहाँ वाली जो संख्या माइनस करके आएगी वो किसका स्क्वायर होगा? 7 का स्क्वायर होगा। या तो ये भी बोल सकते हैं कि इस संख्या में हम ये प्लस कर रहे हैं तो ये संख्या आ रही, इस संख्या में 16 को प्लस करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी, इसमें 25 प्लस करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी, और इसमें ये प्लस करेंगे तो ये 620 आ जाएगा।
जो हमारा 620 दिया है उसमें हमें 7 का स्क्वायर प्लस करना है, मतलब 49 प्लस करना करिए 966। तो यहाँ पर आने वाली जो संख्या है वो है 669, जो कि 620 प्लस 7 के स्क्वायर के साथ प्लस करने पर आया है, जो कुछ इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे क्या आएगा, 669 आएगा, क्योंकि इसमें एडिशन और स्क्वायर सीरीज कैसे है, क्योंकि हम लोगों ने जब भी एडिशन सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन हमें सॉल्व किए तो हम क्या करते हैं, सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करके देखते हैं। हमने बस वही किया, माइनस करके इसकी जो डिजिट है वो छोटी छोटी कर ली। फिर उसके बाद आने वाले जो डिजिट है, जो नंबर आ रहा है, वो किसके स्क्वायर है, ये 93 का स्क्वायर है, 64 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, 36 का स्क्वायर। इससे हमें पता चला कि एडिशन के साथ साथ क्या हो रहा है, स्क्वायर भी हो रहा है। तो इसके थ्रू हमने क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे पता कर लिया कि कौन से डिजिट आने वाली है, तो वो आने वाला है 669। तो ऑप्शन नंबर सी में 669 दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है जो प्राइम नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हमें इसके लिए पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर वे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं, अपने खुद के टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते, या फिर हो सकते हैं एक के टेबल में आते हैं, वन के टेबल में आते हैं, और इटसेल्फ और खुद के टेबल में आते हैं। मान लीजिए थ्री इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर बिकॉज क्यों प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 1 के टेबल में आता है और 3 किसके टेबल में आएगा, 3। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन है कि वो 1 के टेबल में आएगा और वो खुद के टेबल में आएगा, उसके अलावा किसी और के टेबल में नहीं आता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर जो डिजिट दी हुई है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, 11 13 17 19, 20, 29, ये एक प्राइम नंबर है। तो कोई रूल तो अप्लाई होगा नहीं, क्योंकि ये कौन सी सीरीज है, प्राइम नंबर सीरीज है। 11 जो है वो खुद के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है और 11 के टेबल में आता है, 13 भी 1 के टेबल में आता है और 13 के टेबल में आता है। तो 11, 13, 17, 19, 23 और 29 के बाद क्वेश्चन मार्क दिया, तो हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, कौन सी डिजिट आएगी। तो 29 के बाद जो 30 है, तो ये 30 तो एक भाज्य संख्या है जो 5 के भी टेबल में आती है, 6 के भी आती है, 15 के भी आती है, 30 के भी आती है, 2 के भी आती है, ये तो नहीं आएगा। फिर 31 को देखिए, 31 सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 31 के टेबल में आता है। तो हम कहेंगे कि 29 के बाद जो भी प्राइम नंबर आने वाला है वो है 31। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में 31 दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे कौन सा डिजिट आने वाला है, 31 आने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है संख्या के अंकों की संख्या के अंकों की संक्रिया संकरण श्रृंखला, इस टाइप की यदि सीरीज दी हो तो इसमें कैसे पहचानेंगे कि सीरीज किस टाइप की, इसे सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए क्या डिजिट दी हुई है, 77, 49, 36, 18 और यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया। यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज में एकदम से डिजिट कम होती चली है, 77 की और 49, 49 की, 36, 18 और यहाँ पर ध्यान से देखिए दो, अगर इसमें से हम इसको माइनस करेंगे और फिर इसके बाद इसको माइनस करेंगे तो सेम डिजिट तो नहीं आएगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी संख्या आएगी यहाँ पर, यहाँ पर छोटी आएगी। तो हम क्या करते हैं, कुछ और सोचते हैं इसमें। देखिए 7 दो डिजिट के लिए, 7 और 7 का मल्टीप्लाई करने पर 49 आता है,
ये आ गया। अब 4 और 9 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। फिर 3 और 6 का मल्टीप्लाई करने पर 18 आ रहा है। तो 18 के आगे वाले इसमें हमें क्वेश्चन मार्क दिया है, तो यहाँ वाला हमें निकालने के लिए 1 का मल्टीप्लाई करना होगा 8 के साथ। तो 8 वन जा 8, तो क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे जो डिजिट आने वाली, जो नंबर आने वाला है वो है 8। तो हम कह सकते हैं कि इसमें किस टाइप की संक्रिया लगी है, तो इसमें दोनों जो अंक दिए हुए हैं उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पर आगे वाली डिजिट हमें मिल रही है। 7 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 49 आएगा, 4 और 9 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 36 आएगा, 3 और 6 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 18 आएगा, और 18 के आगे वाला हमें फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 और 8 का मल्टीप्लीकेशन करना होगा, जिससे हमें क्या मिल जाएगा 8। तो हम कह सकते हैं कि 8 जो क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे जो डिजिट आने वाली है वो होगी 8। तो ये हमें कौन सा ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर सी मिल गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे हमें फाइंड करना है कि कौन से डिजिट आने वाली है। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 3, 15, 5, 35, 7, 63 और यहाँ पे दिया है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ से 3 और हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 5, 15 ये आ जा रहा है। अब देखिए 5 और 7 का कर दीजिए, 5 और 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बीच वाला आ रहा है 35। अब यहाँ पर हमें एक ऐसे डिजिट चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर 7 के साथ मल्टीप्लाई करने पर मान लेते हैं कि वो डिजिट x है, मल्टीप्लाई 7 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 63 आएगा। यहाँ से ट्रांसफर कीजिए, यहाँ ये मल्टीप्लीकेशन में है तो कहाँ में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, और 7 की टेबल में 63 कितने बार में आता है, 9 बार आदमी आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9। इसके थ्रू भी हम बता सकते हैं कि यहाँ 9 आएगा। और एक मेथड और लगा सकते हैं, यहाँ पर देखिए 3 में आप 2 प्लस करिए 5 आ रहा है, 5 में 2 प्लस करिए 7 आ रहा है, और फिर 7 में क्या प्लस करिए, 7 में 2 प्लस कर लीजिए तब भी 9 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जिस भी ऑप्शन में 9 होगा वो किसकी प्लेस पे आएगा, क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे आएगा। तो किस ऑप्शन में 9 है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में 10 है, ऑप्शन नंबर बी में 126 है, ऑप्शन नंबर सी में 9 दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है, किस टाइप से हमें सॉल्व करना है, क्या लिखा है क्वेश्चन, 36, 34, 30, 28, 24, क्वेश्चन मार्क, और हमें क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे फाइंड करना है कि कौन से डिजिट आएगी। देखिए क्या करेंगे, 36 में से 34 को माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा, -2, 34 में से 30 को माइनस कर दीजिए -4, माइनस करने वाली सीरीज आ रही है इसलिए हम यहाँ माइनस का निशान लगा रहे हैं, और यहाँ पर माइनस कर दीजिए क्या आ रहा है, -2, फिर यहाँ पर -4। देखिए सीरीज क्या चल रही है, 2, पहले -2 हो रहा है, 36 में से -2 करेंगे तो 34 आ रहा है, 36 में से हम -2 करेंगे तो 34 आ रहा है, 34 में से -4 करेंगे तो 30 आ रहा है, 30, फिर -2 हो रहा है, फिर -4 हो रहा है, तो अब क्या होगा, अब होगा -2, तो 34 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, 22। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे कौन सी डिजिट आने वाली है, वो है 22। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है 20, ऑप्शन नंबर बी में 22 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे कौन सा नंबर आने वाला है, वो है 22। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन दिया है सीरीज से रिलेटेड, इसमें मिक्स सीरीज है, तो देखते हैं इसमें इसको सॉल्व कैसे करना है। पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, 0, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 17, 24, 26, क्वेश्चन मार्क, और हमें क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे फाइंड करके बताना है कि कौन सा डिजिट या कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए 0, यहाँ 2 में से 0 गए, 2, 3 में से 2 गए, कुछ माइनस नहीं हो रहा, 5 में से 3 माइनस करने पर 2 हो रहा है, और 5 में से
फिर 8 में से 5 जाएंगे तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यहाँ पे सीरीज नहीं लग रही तो हम क्या करते हैं, 0 से 3 कैसे आए इस पे सोचते हैं। 0 में हम प्लस 3 कर देंगे तो आ जाएगा, फिर यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ प्लस 3 था, अब यहाँ पर 3 में 2 प्लस कर दीजिए प्लस 5, यहाँ प्लस 5 करो 3 में प्लस 5 करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर यहाँ से प्लस 7 करो तो ये आ जाएगा 8, 8 में प्लस 7 करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 में प्लस 9 करेंगे तो 24 आ जाएगा। हमें ये आगे वाला फाइंड करना है तो इसके लिए देखेंगे क्या करना है। तो देखिए ऊपर भी नीड लगाते हैं, 2 में हम 3 प्लस कर रहे तो 5 आ रहा है, 3 के बाद हमने 5 प्लस किया था, 5 के बाद हम क्या प्लस करेंगे, 7 प्लस करेंगे और 7 के बाद हम 9 प्लस करेंगे। तो देखिए 2 में 3 को प्लस कर रहे हैं 5 आ रहा है, 5 में 5 प्लस करें 10 आ रहा है, 5 में 7 प्लस करें 17 आ रहा है, 17 में 9 को प्लस कर लीजिए 26 आ रहा है। पर हमें क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे बताना है कि कौन से डिजिट आने वाली है। तो देखिए यहाँ 3 में प्लस 2 किया तो 5 में प्लस 2 करेंगे तो 7 में प्लस 2 करेंगे तो 9, तो 9 में प्लस 2 कर दीजिए 11, तो यहाँ पर क्या प्लस करेंगे 11, 5 में प्लस करेंगे 24 में प्लस करेंगे 11, 35 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे क्या आ रहा है, 35 आ रहा है। तो देखिए किस ऑप्शन में 35 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में 28 दिया, ऑप्शन नंबर बी में 30 दिया, ऑप्शन नंबर सी में 32 दिया, ऑप्शन नंबर डी में 35 दिया। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे क्या आ रहा है, 35 आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ न्यू टाइप से दिया हुआ है। इसमें लिखा है 2, 7, 12, 17, 22, 27 और उसके नीचे 2 के नीचे 3 लिखा है, 7 के नीचे ए लिखा है और 12 के नीचे बी लिखा है और 17 के नीचे सी लिखा है, 22 के नीचे डी लिखा है, 27 के नीचे ई लिखा है। इसको सॉल्व कैसे करना है और क्या पूछा है, डी के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है, ऑप्शन दिए हैं इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इसके लिए हम क्या करते हैं, 2, 7, 12, 17, 22, 27 लिख लेते हैं पहले। यहाँ से यहाँ पर पहुँचना है हमें, 7 में से 2 माइनस कर दीजिए 5 आएगा, मतलब 2 में 5 प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा, 12 में 7 माइनस करो 5 आ रहा है, 17 में से 12 माइनस करो 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 5 आएगा और यहाँ पर भी क्या आ रहा है 5। तो देखिए ये जो क्रम चल रहा है, जो सीक्वेंस चल रही है, जो सीरीज चल रही है प्लस 5 वाली ही चल रही है, तो सेम हमें नीचे भी वही लगाना है, 3 यहाँ ए दिया है, बी सी डी ई, तो हमें क्या करना है, 3 में हमें क्या करना है, ए तक पहुँचने के लिए प्लस 5 करना है, 3 में 5 प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पहुँचने के लिए प्लस 5 करो 13 आ जाएगा, 13 में 5 प्लस करो 18 आ जाएगा, 18 में 5 प्लस करो 23 आ जाएगा, 23 में 5 प्लस करो 28 आ जाएगा। हमें क्या पूछा है, D के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो D के स्थान पर कौन सी आ रही है, 23 आ रही है, तो जिस भी ऑप्शन में 23 लिखा रहेगा वो ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में 18 लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में 19 लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में 20 लिखा है, ऑप्शन नंबर डी में 23 लिखा है। देखिए डी के प्लेस पर 23 आ रहा है तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक हमने जो रूल्स देखे वो डिजिट के लिए देखे, नंबर्स के लिए देखे, पर यही रूल्स अल्फाबेट के लिए भी अप्लाई किए जाते हैं। तो देखिए अल्फाबेट पे ये रूल अप्लाई करके देखते हैं, क्या लिखा हुआ, ए कॉमा डी कॉमा जी कॉमा जे कॉमा एम कॉमा क्वेश्चन मार्क, और हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे कौन सा अल्फाबेट आएगा। तो ए से डी तक क्वेश्चन कैसे पहुंचे, देखिए ए का नंबर होता है 1, डी का होता है, ए के बाद देखिए बी सी डी, इसका क्या होता है बी सी डी, इसका होता है 4, इसका क्या होता है 7, इसका क्या होता है 10, इसका क्या नंबर होता है 13, और हमें इसका फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर प्लस 3 हो रहा है, ए में प्लस 3 करेंगे तब आएगा, डी में प्लस 3 करेंगे तो जी आएगा, जी में प्लस 3 करेंगे तो जे आएगा, जे में प्लस 3 करेंगे तो एम आएगा, एम के बाद प्लस 3 करिए, एम में हमें क्या करना है प्लस 3 करना है, तो एम के बाद क्या आता है एन ओ पी, पी आएगा,
तो यहाँ पर आने वाला जो भी अल्फाबेट है वो कौन सा होगा? पी होगा। जिस भी ऑप्शन में पी दिया होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आर दिया, ऑप्शन नंबर बी में बी दिया, ऑप्शन नंबर सी में डब्ल्यू दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया है पी। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसमें क्या दिया हुआ है? पी दिया है। क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे कौन सा अल्फाबेट आ रहा है? पी आ रहा है। आज हमने इस लेक्चर में सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखे, और जो कॉन्सेप्ट हमने नंबर्स के लिए देखे वही कॉन्सेप्ट अल्फाबेट पे भी अप्लाई किए जा सकते हैं। आपको क्वेश्चन सीरीज से रिलेटेड जो भी आएंगे वो नंबर के भी हो सकते हैं और अल्फाबेट से के भी हो सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं।